जिला मुख्यालय के साथ लगती विकास खंड टौणी देवी की ग्राम पंचायत सराकड़ की पहचान एनआईटी हमीरपुर की स्थापना के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। वहीं ग्रामीणों की प्रगतिशील सोच और पंचायत प्रतिनिधियों के सतत प्रयासों से इस पंचायत में सामुदायिक सहभागिता का एक नया अध्याय लिखा गया है। इस गांव को मुख्य सड़क से एक पुराना रास्ता जाता है। आसपास के घरों से निकलने वाले रसोई व बाथरूम के गंदे पानी से रास्ता लबालब रहा करता था और फिसलन होने से यहां गुजरना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांव करियाली के लिए वाटर वेस्ट टैंक निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई। गांव की वृद्धा प्रभी देवी ने इसके लिए स्वेच्छा से भूमि भी दान की। गांव के करीब 20 से 25 घर जो कि रास्ते के साथ बने हैं, वहां से निकलने वाले व्यर्थ पानी की पाइपों के माध्यम से रास्ते के नीचे बिछाई मुख्य निकासी नाली से जोड़ा गया है। प्रत्येक घर के सामने एक चैम्बर भी स्थापित किया गया है ताकि गंदगी इत्यादि फैलने पर नाली को आसानी से साफ किया जा सके। आपको बता दें कि ये निकासी नालियां गांव से लगभग 250 मीटर नीचे की तरफ निर्मित वाटर वेस्ट टैंक तक जाती हैं। इसी टैंक में इन सभी घरों का व्यर्थ पानी एकत्रित होता है और टैंक का निर्माण वर्ष 2018-19 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगभग 2,31,000 की लागत तथा निकासी पाइपों पर लगभग 3,56,000 रुपए व्यय किए गए हैं। टैंक में एकत्रित पानी को निकासी व्यवस्था के माध्यम से खेतों से भी जोड़ा गया है। ऐसे में टैंक के आसपास नमी बढ़ी है और नीचे की ओर स्थित खेतों में फसल उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई है। स्थानीय निवासी प्रवीण कुमारी का कहना है कि उनका घर गांव के निचले छोर पर है। पहले व्यर्थ पानी रिस कर उनके घर तक पहुंच जाता था जिससे उन्हें काफी दिक्कतें होती थी। फिसलन भरे रास्ते में भी चलना मुश्किल होता था। अब व्यर्थ जल प्रबंधन ढांचा बनाए जाने से उनकी राह आसान हुई है। गांव के दिलीप सिंह व सुरजीत सिंह बताते हैं कि टैंक बनने के बाद रास्ते पर कीचड़ की समस्या से निजात मिली है, तो वहीं टैंक का ओवरफ्लो पानी खेतों में डाले जाने से नमी बढ़ी है और फसल के उत्पादन भी बेहतर हुआ है। ग्राम पंचायत प्रधान दलजीत सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश के लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इसे पंचायत स्तर पर बखूबी अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार का आभार जताते हुए पंचायत में इस कार्य को सफलतापूर्वक करवाने के लिए जिला व खंड स्तर के सभी अधिकारियों का धन्यवाद किया और ग्रामीणों की सराहना की। उपायुक्त हरिकेश मीणा का कहना है कि वे पंचायत का दौरा कर यह कार्य देख चुके हैं और आने वाले समय में अन्य पंचायतों में भी इस तरह के कार्यों को अंजाम दिया जाएगा और लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हादसों का आलम बदस्तूर जारी है। राजधानी शिमला में एचआरटीसी की स्कूल बस हादसे का शिकार हुई है। हादसे में कई बच्चे घायल हुए हैं जिनकी संख्या 8 बताई जा रही है, जिनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई है जबकि 6 घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हुई है। घायल बच्चों को शिमला के आईजीएमसी अस्पताल लाया गया। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि शिमला में एचआरटीसी की स्कूली बस बच्चों को लेकर जा रही थी, खलीनी के पास झंझड़ी में हादसे का शिकार हुई है। एक अन्य वाहन को पास देते समय यह हादसा हुआ है। तंग सड़क की वजह से बस सड़क के नीचे लुढ़क गई, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि बस चेल्सी स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही थी। जानकारी के अनुसार 6 बच्चे इस हादसे में घायल हुए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है तथा स्थानीय लोगों की मदद से राहत व बचाव कार्य किया जा रहा है। एसपी शिमला मौके पर मौजूद हैं। मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में जारी मंडी पुलिस विभाग के कांस्टेबल भर्ती के तहत ग्राउंड टेस्ट की प्रक्रिया संपन्न हो गई। भर्ती प्रक्रिया के अंतिम दिन युवाओं की खासी भीड़ देखने को मिली।
युवाओं ने ग्राउंड टेस्ट की प्रक्रिया के दौरान दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लिया। एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने भर्ती के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भर्ती प्रक्रिया के अंतिम दिन सबसे पहले ड्राइवर भर्ती के लिए ड्राइविंग टेस्ट का आयोजन किया गया और ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया में आमंत्रित 200 युवाओं में से 183 पंजीकृत युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि ग्राउंड टेस्ट की प्रक्रिया में 1600 युवाओं ने भाग लिया था, जिनमें से 1070 युवाओं ने ग्राउंड टेस्ट क्लियर किया है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने किरपुर नेरचौक मनाली फोरलेन परियोजना के काम में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने एनआईसी सभागार में आयोजित बैठक में फोरलेन के कार्य की प्रगति का जायजा लिया और सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए परियोजना से जुड़ी अड़चनों को जल्द निपटाने की बात कही। ऋग्वेद ठाकुर ने निर्देश दिए कि परियोजना की जद में आने वाले भवनों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। जिन प्रभावितों को अभी मुआवजा देना शेष है, उन्हें शीघ्र मुआवजा भी दिया जाए। कहीं कोई विवाद हो तो राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण NHAI SDM की अध्यक्षता में गठित संबंधित विभागों की समिति के सहयोग से मामले को सुलझाए। फोर लेन के लिए जहां जहां सुरंगें बनाई जा रही हैं, उनकी वजह से पहाड़ियों पर स्थित पानी के प्राकृतिक स्रोतों को सूखने की आशंका को निर्मूल करने के लिए NHAI विशेषज्ञों की मदद से पूरा अध्ययन करवाए, विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर रिपोर्ट को साझा करे। उन्होंने कहा कि पंडोग के पास ड्योड में कटिंग के कारण पहाड़ी में आई दरारों से जिन 3 परिवारों के मकानों को खतरा पैदा हुआ है, उनके लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए और खतरे को देखते हुए NHAI इन परिवारों के जमीन अधिग्रहण व मुआवजे का मामला बनाए। प्रशासन ने ड्योड में सड़क पर पुलिस के जवान तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं और NHAI भी अपने ट्रैफिक मार्शल लगाए ताकि यातायात को 24 घंटे ठीक से नियम अनुसार चलाया जा सके। वहीं बैठक के दौरान NHAI निर्माण कार्य के मलबे की डंपिंग के लिए लोक निर्माण विभाग की संपर्क सड़कों का प्रयोग करने पर भी बात की गई। वे उन संपर्क सड़कों की मरम्मत भी तय करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया।